आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। शिक्षित युवा बेरोजगारी की समस्या एवं समाधान पर सम्यक अभियान कॉन्फ्रेंस का रीवा में आयोजन किया गया। स्थानीय पद्मधर पार्क में आयोजित हुए इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भास्कर राव रोकड़े, पूर्व विधायक राजेंद्र मिश्रा, डॉक्टर एसएस तिवारी, शहीद मिस्त्री सहित अन्य कांग्रेसी नेता एवं कार्यकर्ता सहित बेरोजगार युवा उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान मौजूद अतिथियों ने युवाओं को रोजगार के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया और उन्हें नए नए रोजगार मुहैया कराने की भी बात कही। इस दौरान मुख्य अतिथि भास्कर राव रोकड़े ने कहा कि आज युवा वर्ग बेरोजगारी की बड़ी समस्या से जूझ रहा है, लेकिन इसमें किसी का ध्यान नहीं जा रहा है और ना ही उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं, जिससे देश का विकास हो पाना संभव नजर नहीं आ रहा है। तपती धूप में जब आपने शुरुआत किया था, उसके दूसरे अभियान की भी शुरुआत उनकी कृपा है, उन्होंने पदोर पार्क क्यों ही चुना है, इसलिए उनका हम स्वागत करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं, जिन बातों को आपने कहा मैं बैठ करके सुन रहा था, पहले मेरे मन में लगा कि अगर ये कर्मचारियों की सभा होती तो मुझे लगता है कि वो इसको और अधिक अच्छे तरीके से समझते, लेकिन थोड़ी देर में जब मैंने आगे अपने दिमाग को लागू किया, क्योंकि रोकड़े जी को समझने के लिए यंत्रवत दिमाग की जरूरत है, तो जब मैंने थोड़ी देर में और समझने की कोशिश किया, बीपीओ के तहत रजिस्टर कंपनी आउटसोर्सिंग को देने लगी और मेन पावर की सप्लाई का क्रम शुरू हो गया, युवाओं की दलाली शुरू हो गई। यह दलाली शुरू हो गई, इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति। मध्य प्रदेश में 70% पदों पर आउटसोर्सिंग से नियुक्तियां की जा चुकी है और प्राइवेट कंपनियों में तो 90% तक नियुक्तियां की जा चुकी है। हमने आंकड़े निकाले हैं तो मध्य प्रदेश में 980,000 पदों पर शासकीय क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ नियुक्तियां की गई है। तो हमने 1 जनवरी 2024 को संकल्प लिया है कि हर हालत में मध्य प्रदेश में आउटसोर्सिंग प्रणाली के नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगाना पड़ेगा। और जब ये रोक लगा दे तो क्या होगा, जो 980,000 पद पर आउटसोर्सिंग की नियुक्ति की गई है, इनके स्थान पर नियमित नियुक्ति करनी पड़ेगी और इस प्रकार 980,000 और 5,30,000 इस प्रकार 15,70,000 युवाओं के लिए 1 जनवरी 2024 के बाद सम्मानजनक सरकारी नौकरियों का मार्ग प्रदर्शित हो जाएगा। युवा साथियों, इसी प्रकार जनवरी 2020 के बाद में 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी जो बिहार अम्बेडकर के टाइम में की गई थी, अंग्रेजों के टाइम से 12-14 घंटे को, उसको 12 घंटे कर दिया गया। उसी प्रकार जो श्रम कानून बनाए गए थे असाधु छठनी को रोकने के लिए, उनको हटा दिया गया, असाधु छठनियां शुरू हो गई और उसको रोकने के लिए हम लोग 1 जनवरी 2024 से पुनः 8 घंटे की शिफ्ट ड्यूटी बहाल कराने के साथ साथ श्रम कानूनों को बहाल कराएंगे और सरकार का एक देश में डिपार्टमेंट स्थापित कराएंगे। और हमारी जो बात की बात यह है कि आरक्षण के बारे में बार बार अलग अलग भ्रांतियां है, उससे बड़ा लंबा है, हमारे उद्योग आदि सब चीजों में मिल रहे हैं और आप लोगों के पास में प्रचारित भी हुआ है, तो आप जातिगत आधार पर जनगणना करा के भले ही आरक्षण कर दीजिए, लेकिन जो पढ़ाई में सबसे आगे है, जो अर्धशायी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाते हैं, उन्हें हर हालात में एक्सीलेंट कैटेगरी में रखा जाए, उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाए। तो हमारी इस सम्यक अभियान के तहत विशेष हमारा संकल्प है कि इस प्रदेश में अर्धशायी परीक्षा में सबसे अधिक अंक लाने वाले के लिए 10% एक्सीलेंट कैटेगरी का प्रावधान रखा जाए। और आखिरी बात जो है, जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये तो हमने देखा अभी 4 मुद्दे की बात की है, और ये जो है उपलब्ध संभावनाओं के युक्तिकरण की बात है, और अगर युक्तिकरण कर दिया गया तो 70% बेरोजगारी दूर हो सकती है, लेकिन ये जो राजा महाराजाओं के पास अंधाधुंध संपत्ति कोविनेंट मर्जर एग्रीमेंट के विपरीत इन लोगों ने रखे हुए है, और महलों और किलों में जो पुरातत्व और ऐतिहासिक महत्व के हैं उन पर जो कब्जा करके इन्हें रखा है, इन सब को सरकारी करने संबंधी हमारा प्रावधान है और इसे हम लागू करा के रहेंगे, और जब इसे लागू करा के रहेंगे
तो 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज इस मध्य प्रदेश सरकार पर है। मध्य प्रदेश में एक ही ऐसी महाराजा का परिवार है जिसके पास में संपत्ति 3 लाख करोड़ की है। यदि उसको सरकारी कर दिया जाए तो राज्य कर्ज मुक्त हो जाएगा। उसके बाद में बाकी राजा महाराजाओं की संपत्ति जो है उसके भरोसे हम क्या करेंगे, राज्य का हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर मैप तैयार करेंगे और उस मैप को तैयार करने के बाद में क्या करेंगे, इंडस्ट्री सेंट्रिक कम्युनिटी फार्मिंग कॉन्सेप्ट के साथ कम्युनिटी फार्मिंग शुरू करेंगे जो है फूड प्रसंस्करण की फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगवाएंगे पूरे राज्य में। उसको जो है मुंबई ड्राईपोर्ट से जुड़वा मुंबई पोर्ट से जुड़वा के ड्राईपोर्ट बना के डेडिकेटेड फ्रेड कॉरिडोर से जुड़ेंगे और किसानों के उत्पादन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के माध्यम